युवा सेना के प्रमुख आदित्य ठाकरे, जो कि ठाकरे परिवार के वारिस, उभरता हुआ चेहरा उद्धव सेना की पार्टी से। ये इंटरव्यू हम इलेक्शन के माहौल में कर रहे हैं आदित्य, रोज बरोज माहौल गर्माता चला जा रहा है। अमित शाह जी मुंबई में थे, उन्होंने अपनी घोषणा पत्र जारी करी है भाजपा की, और उस घोषणा पत्र को जारी करते हुए उन्होंने एक बात कही, निशाना साधा और साधा उद्धव ठाकरे पर। उन्होंने ये कहा कि मैं उद्धव ठाकरे को ये तो नहीं बता सकता हूँ कि उन्हें कहाँ बैठना चाहिए, लेकिन मैं उन्हें याद जरूर दिलाना चाहता हूँ कि ये उन लोगों के साथ बैठे हैं जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण का विरोध किया, 370 का विरोध किया, सावरकर को कातिल बुलाया। क्या वो उनके साथ तो क्या हम भाजपा के साथ बैठे जिस भाजपा ने महाराष्ट्र को लूटा है? इस महाराष्ट्र के सारे भूमि पुत्रों की जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो लेके गए गुजरात में। अगर आपने देखा होगा तो उसी शिवसेना प्रमुख के पार्टी को उन्होंने तोड़ा जिस शिवसेना प्रमुख ने भाजपा को अनकंडीशनल सपोर्ट दिया था, तब प्यार से वाजपेयी साहब की भाजपा को दिया था। यही भाजपा है जिन्होंने हमारी पार्टी को फोड़ने का प्रयत्न किया, जो महाराष्ट्र को तोड़ने की कोशिश करते हैं, जो मुंबई पे आक्रमण करे, जो महाराष्ट्र पे आक्रमण करे। और ये बातें अगर वो करे, देखिए आइडियोलॉजी की अगर बात करे तो हम तो नमन करते हैं स्वतंत्र वीर सावरकर को, हम तो नमन करते हैं वंदे हिंदू सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी को, हम नमन करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज को, लेकिन यही भाजपा है जिन्होंने छत्रपति शिवराय के पुतले में भी पैसा खाया है। क्या उस भाजपा के साथ हम जाए? घोटालेबाज भाजपा के साथ हम नहीं जा सकते। और यही भाजपा है जो जाती और गले मिलती है नवाज शरीफ जी को, क्या उस भाजपा के साथ जाए? आदित्य, उन्होंने ये भी कहा कि क्या उद्धव ठाकरे राहुल गांधी को रिक्वेस्ट करके दो लाइन सावरकर पर दो अच्छे शब्द बोलवा सकते हैं? पहले तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि भाजपा दो लाइन मणिपुर पे गए, भाजपा दो लाइन महाराष्ट्र से जवाब पहले उनसे पूछे ना, क्योंकि चोरी उन्होंने की है, भाजपा ने जो चोरी किया महाराष्ट्र से उनसे पूछे कि वेदांत पॉक्स कौन हो, बल ड्रग पार्क हो, मेडिकल। आप मेरे को चोरी पे ले जाते हो, आइडियोलॉजी की जो बात है आदित्य, आइडियोलॉजी यही है कि जो 50 साल पहले थे, जो 100 साल पहले थे, सबको हम नमन करते हैं, सभी महापुरुष हैं, लेकिन उनपे झगड़ के आज मिलने वाला क्या है? हर कोई चीज, जैसे कहीं रेलवे एक्सीडेंट हो तो रेल मंत्री जाते हैं, कहते नेहरू जी ने किया, जब आपके पिताजी ऐसी स्टेटमेंट देते हैं कि बकरीद की अगर परमिशन नहीं है, नहीं नहीं नहीं, ये आप झूठी बातें कह रहे हैं, नहीं है, नहीं, जो नहीं, पिताजी ने बिल्कुल नहीं कहा, ये तो मैं कह रहा हूँ, ये भाजपा झूठी बातें कहती है, ये उद्धव ठाकरे ने बिल्कुल नहीं कहा है, ना किसी ने कहा है, ना महाराष्ट्र में स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट नहीं किया जा रहा है, स्टेटमेंट जो कोट किया जा रहा है उस पर हमने इसी में केस डाली है, क्योंकि वो न्यूज़पेपर गलत फैला रहा है, गलत कह रहा है, तो उद्धव ठाकरे ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है। थैंक यू, आपने ये झूठी बात पकड़ा दी, बिल्कुल नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा, ने कहा वो तो झूठे आदमी है। एक मिनट, एग्जैक्टली, ये गोली मारने की बात नारायण राणे करते हैं, हम नहीं करते। दूसरी बात, उद्धव जी ने बिल्कुल नहीं कही, वो तो झूठी बात फैला रहे, भाजपा ये झूठी बात फैला रहे। जो हमारे पार्टी ने जो आक्षेप लिया था, ऑब्जेक्शन लिया था, वो मनसे का फोटो दिवाली के बैनर पे हो, अगर उनको अलाउड है तो हमें क्यों नहीं? इसी अगर सिर्फ यही कहा था, सिर्फ यही कहा था, जो पेपर आप कोट करी है उसके खिलाफ हमने केस दर्ज की है डेफामेशन की और झूठी बात कहने की। आदित्य, आपके अलायंस पार्टनर कांग्रेस बीजेपी आरोप लगा रही है, लेकिन ये कांग्रेस की तरफ से शायद हुआ है क्योंकि उन्हीं के लोगों ने फेसबुक पे ये पत्र जारी किया है कि उलेमाओं ने कांग्रेस को अप्रोच किया 17 डिमांड्स के साथ, और शायद नाना पटोले ने या कांग्रेस ने उनको एक पत्र दिया है मान्य करते हुए सारा 17 डिमांड। उस डिमांड में एक ये भी बात है कि 10% की रिजर्वेशन रिलीजन के बेस पर मुसलमानों को कांग्रेस देगी। पहली बात, क्या आप अग्री करते हैं इस बात को? आई ओके विद इट? शायद अगर मगर की बातों को एक बाजू में रखते हैं, लेकिन दूसरी बात यह है, जो हमने महाविकास अघाड़ी की सरकार चलाई, हम तीनों पार्टियां संविधान को पकड़ के चलती हैं। आज भी हमने संविधान बचाओ का जो नारा लगाया है, जो रैली की है, वो इसी बात के लिए की है, क्योंकि जब शिवसेना काम करती है वो हर एक के लिए काम करती है, बिना जाति धर्म ये अगर मगर की बातें है, जब तक मेरे सामने कुछ आता नहीं है मैं कैसे जवाब दूं? सवाल कुछ भी हो सकता है, आप मैं हाया ना कहीं नहीं सकता, क्योंकि आज अगर मेरे सामने कुछ आया ही नहीं है तो अगर मगर की बात मैं क्यों बयान दूं?
कल तो आपके कांग्रेस के नेताओं का मैंने इंटरव्यू किया, हमारी पार्टी के सामने कहा है, कल आपके कांग्रेस के नेताओं का मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे? आप अगर अगर मगर की बातों में मैं जा ही नहीं सकता। आदित्य, मेरा सीधा सवाल आप जवाब, मैं सीधा सवाल का सीधा जवाब दे रहा हूँ, मुझे खत्म, क्या ये 10% मान्य है कि नहीं? खत्म आने दीजिए। और हम तो यही कहते हैं कि आज देखिए मराठा आरक्षण का विषय है, आज धनगर आरक्षण का विषय है, बहुत सारे लोगों को भाजपा ने फंसा के रखा है। तो कह रही हूँ कि अगर ये 10% का आरक्षण देना है ये अगर मगर की बातों में, ये फिजूल की बात है। क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम यही है कि ये अगर मगर की बात है, जो कुछ मेरे सामने है ही नहीं, जो मुझे खत आया ही नहीं। जब आएंगे तो देखा जाएगा। ये नॉन कमिटल जवाब नहीं, क्योंकि नॉन कमिटल इसलिए है क्योंकि मेरे सामने आज जो बेरोजगार युवा है उसका धर्म में देखता नहीं हूँ, उसकी जाति में देखता नहीं हूँ। आज महाराष्ट्र का युवा है जो बेरोजगार है, वो जॉब के लिए ढूंढ रहा है। फिर वो जॉब के लिए अगर ढूंढ रहा हो तो क्या फर्क पड़ता है कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है? मुझे तो मुझे मेरा धर्म जो कहता है कि मुझे उसको जॉब देना है। आदित्य, आपके ऊपर, आपकी पार्टी के ऊपर ये आरोप लग रहा है अभी कि भाई आप लोग अब ऑलमोस्ट एक मुस्लिम लीग पार्टी जैसी बन गए हैं। कौन लगा रहा आरोप? कौन लगा रहा आरोप? लगा रहा आरोप आपके विरोध लगा रहे हैं तो उनका सर्टिफिकेट कौन है? वो कौन सर्टिफिकेट देने वाले हैं मुझे हिंदुत्व के? बिल्कुल। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि भाजपा कौन बनती है मुझे सर्टिफिकेट देने वाले हिंदुत्व के? मेरा हिंदुत्व उनके हिंदुत्व से अलग है। तो भाजपा का जो हिंदुत्व है वो चुनावी हिंदुत्व है। भाजपा का चुनावी हिंदुत्व, आपका सच हिंदुत्व? मैं कहता हूँ मेरा हिंदुत्व मेरे दिल में हिंदुत्व है। मैं ये नहीं कहता कि मैं भाजपा के साथ जाके बैठेंगे। आदित्य, कांग्रेस के, कांग्रेस पूरे समय मुस्लिम अपीसमेंट करी, ये भाजपा के, आप भाजपा के स्पोक्स पर्सन ना बने, आप भाजपा के स्पोक्स पर्सन ना बने। नहीं नहीं मेघा जी, अगर आप पूछने वाले सवाल, नहीं नहीं मैं 14 साल से हूँ, तो आप पहले कांग्रेस में थी, आप कांग्रेस में थी, नहीं मेघा जी एक ही है, आप भाजपा के साथ उनकी वकालत ना कीजिए। भाजपा की बिल्कुल वकालत नहीं कर रही हूं। मैं आता हूँ, वापस आता हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट हो रहा है, मैं वापस आ रहा हूँ। मेरी बात का सीधा जवाब तो आप सवाल का नहीं, मैं, नहीं मैं तब दूंगा मैं जब ये इंटरव्यू होगा। ये सेना वर्सेस बीजेपी नहीं हो सकता। सेना वर्सेस मैं आपका इंटरव्यू कर रही, आप वो भी और, मान रहे और अगर अगर बीजेपी को करना है तो बीजेपी के नेताओं को लाइए। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए आदित्य जी। आप कह रहे हैं कि कौन कह रहा है, कौन मुझे ये पदवी दे रहा है कि मैं मुसलमान पार्टी हो गया? नहीं नहीं, एक मिनट, भाजपा, अब मुझसे सुनो आदित्य। चलो, मैं दादर जा रही हूँ, मैं माहिम जा रही हूँ, आपके जो गढ़ है, शिवसेना के जो गढ़ है ना मुंबई में, वहाँ पैदल मैं भी जाती हूँ। ठीक है, कुछ लोगों का ये कहना है कि अब उद्धव सेना के मुंह से हिंदुत्व की बातें सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे ये फरेब है। नहीं देखिए, ये की बातें, ये अगर आपको इंटरव्यू मेरा, मुझे थोड़ी बात तो करनी है। अगर ये स्क्रिप्ट आपके पास आई हो कहीं से, यार आदित्य, ये मैं कुछ नहीं कर सकता कि मैं जब लोगों से बात कर रही हूँ वो सवाल पूछ रही हूँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप 23 तारीख को नतीजा देखिए। ठीक है, आपने अभी अभी यह चिट्ठी भी नकारा, इसलिए मैंने ये चिट्ठी निकाल के रखी। ये देखो चिट्ठी, ये किसको किसको आई है चिट्ठी? शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे के नाना पटोले है। नाना पटोले आपके अलायंस पार्टनर है या नहीं? मेगा जी एक मिनट, अगर बातें करनी हो तो पहले तो एक नॉर्मल टोन में होती है, दूसरी बात यही होती है कि झगड़े करने की जरूरत ही नहीं है। तो अच्छा है पिक्चर, बहुत अच्छे लोग लग रहे हैं, लेकिन मेरी बात यही है कि क्या हमसे ये बात किसी की हुई है? क्या आप ये ना पिक्चर क्या मान रहे हो, ना लेटर मान रहे हो, मान ही नहीं रहे हो? मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारा एमवीए का जो मैनिफेस्टो है उस पे बातें चलेगी। एमवीए का मैनिफेस्टो मैक्सिमम प्रोग्राम है, आज ही तो जारी हुआ है, 100 दिनों का प्रोग्राम जारी हुआ है, 5 साल का प्रोग्राम जारी हुआ है, उस पे बात ही कीजिए ना। ये हमारे मैनिफेस्टो में है या नहीं मुझे नहीं पता। तो आप देखिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें जाना चाहिए था आपने। तो आप अगर, चलिए आगे बढ़ते, आप इस पर मुझे जवाब दे ही नहीं रहे हैं। आदित्य, आपने अपने सारे भाषणों में, और उद्धव जी भी ने अपने काफी भाषणों और इंटरव्यूज में बार बार, आप जब रेफर करते हैं एकनाथ शिंदे को, तो आप ये कहते हैं कि वो गद्दार है जी, है चोर 40 चोर की पार्टी है ना। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो इतने साल आदित्य आपके साथ रहे एकनाथ शिंदे, तब वो चोर नहीं थे जी? आपने अपने जितने इंटरव्यूज दिए हैं, जितने आपके भाषण हैं, आपने हर भाषण में शिंदे को चोर, चोरों की पार्टी, चोर, 40 चोर बुलाते हैं आप उनको, है ना। तो आदित्य, इतने साल, सालों साल, दशकों जो वो आपके पार्टी में रहे, आपके सरकार में वो मंत्री रहे, तब वो चोर नहीं थे आदित्य? हाँ, क्योंकि तब उन्होंने पार्टी नहीं चोरी की थी, उन्होंने पार्टी चोरी की, पार्टी का नाम चोरी किया, 40 चोर लेके गए, गद्दार लेके गए,
आप तो ये भी कह रहे हैं कि वो महाराष्ट्र में लूट मचा के रखे, हाँ, करप्शन है, तो सरकार की पार्टी में थे तो करप्शन नहीं, तो कभी हमने ये कहा है कि अगर कोई हमारे पार्टी में करप्ट हो तो उसको बीजेपी जैसे क्लीन चिट दे दो। अगर हमारे तो नहीं थे, अगर हमारे पार्टी में कोई भी गलत काम कर रहा होगा या करप्शन कर रहा होगा, कभी भी हमने किसी भी एजेंसी को ना रोका है ना टोका है, जो भी गलत हो उसको सजा मिलनी चाहिए। तो आदित्य आपके पार्टी को छोड़ा और वो चोर बन गए। नहीं, चोर इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि उन्होंने पार्टी का नाम चोरा। अगर पार्टी नहीं छोड़ते तो पार्टी का नाम नहीं छोड़ते ना। तो आदित्य जब आप उनको गद्दार कहते हैं तो मेरा सवाल ये है कि जब 2019 में आप लोगों ने अलायंस तोड़ी बीजेपी के साथ, तब आपने गद्दारी नहीं करी? एक मिनट, आपको फर्क जानते हो गद्दारी और अलायंसेस में क्या होते हैं? अलायंसेस यानी हम हमारी पार्टी चलाते हैं, भाजपा हमारी। आप साथ में लड़े थे आदित्य और फिर आपने छोड़ दी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के लिए, मानेंगे? 2019 में जब हम लोकसभा साथ में लड़े थे तो तभी भी अग्रीमेंट पब्लिक में हुआ था कि हाफ एंड हाफ लड़ेंगे विधानसभा। ये तो अग्रीमेंट, ये तो भाजपा कभी मानती नहीं। देखिए, मैं मेरी बात कहना चाहता हूँ, अगर विश्वासार्थता पे अगर किसी का पोल लेना हो तो भाजपा के सारे नेता दल खड़े कीजिए और उद्धव जी एक तरफ खड़े कीजिए, जनता का पोल लीजिए। जय महाराष्ट्र। ठीक है, चलो चलो, सो मच ऑफ ब्रेक, सो मच ऑफ ब्रेक। चलो अब आखिर में देखिए, ये देखिए आखिर में अब वो सुनता है, ये भी है, वो समझता है। आखिर में आदित्य हम चीफ मिनिस्टर के चेहरे पर आते हैं। आप लोगों ने, आपने भी कई बार बहुत सर्वेस को रेफर किया, आपने कहा सर्वेस करा लीजिए पूरे महाराष्ट्र में। सबसे क्रेडिबल सर्वे के हिसाब से उद्धव ठाकरे सबसे पसंदीदा चेहरा है चीफ मिनिस्टर के लिए। संजय राउत सुबह उठकर कहते हैं भैया उद्धव ठाकरे को सीएम का चेहरा बनाओ। उद्धव जी दिल्ली गए, उन्होंने मुलाकात करी, उन्होंने बातें वो नहीं की। चलिए, पर नहीं, नहीं, नहीं। क्यों नहीं आदित्य, आपको एक बताता हूँ, एक बताता हूँ चीज में, यही बात है। अगर आप आज भी सर्वे कीजिए, किसी को भी पूछे कि इस राज्य में सबसे विश्वासु व्यक्ति में तो कौन है, कुटुंब प्रमुख कौन है, तो सब कहेंगे उद्धव ठाकरे। ना उद्धव जी का पर्सनल एम्बिशन है, ना पर्सनल बदला लेना है कि वो हमें पोस्ट चाहिए। अगर वैसे होते तो उस पोस्ट को हम छोड़ते भी नहीं। लेकिन आज की जो बात है वो यही बात है कि जो भी महाराष्ट्र हित की बात करेगा वो महाराष्ट्र का सीएम बनेगा और वो मविया से होगा। क्यों नहीं बनाया इन्होंने? वो आपकी तकलीफ नहीं है, वो हम एमबीए देख लेंगे। तो तकलीफ आपकी है ना आदित्य? बिल्कुल नहीं। अच्छा, मेरा चेहरा सवाल, हाँ पूछिए। अब आप चले जाना। नहीं नहीं, आप ऊपर आइए, कैंपेनिंग करिए। आइए आइए आइए, ऊपर आइए। हाँ चलिए, मेरा आखिरी सवाल। आइए आइए आदित्य। ओहो, कैमरा कैसे जाएगा? संभले संभले, कम 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 कम। You got to wave, huh? Oh, come on, I've lost 11. Come on, Megha ji, so you've got to wave and tell them mashal. Oh, come on. Don't tell them the lotus. I am a journalist. I'm not going to do any of that. I'm just pulling your leg. Camera ka kya scene hai? Are we rolling? So, Aditya, बस अभी कुछ समय पहले पृथ्वीराज चव्हाण जो अपने पूर्व मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, उन्होंने एक बयान दिया कि गठबंधन की जो मर्यादा होती है उस हिसाब से जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होता है सीएम वही डिसाइड करता है, सीएम का चेहरा वहीं से आता है। अब आप इस पर कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि वो प्रिटी मच कांग्रेस की बात कर रहे हैं, उसमें कोई मतलब? देखिए, हमें कोई भी आपत्ति नहीं है कि कोई भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाए या मविया से महाराष्ट्र हित का जो मुख्यमंत्री बनेगा या बनेगी, उसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। क्योंकि नहीं, इस ये जो उन्होंने बयान दिया है कि कांग्रेस से ही बनना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, उन्होंने कहा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी से, वो जो भी नो प्रॉब्लम, तो जिसका भी परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो सारे जो महाविकास आघाड़ी के जो आमदार रहेंगे, विधायक रहेंगे, वो तय करेंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आदित्य जाटन जी से पहले मेरा आखिरी सवाल, अगर आप अगला सरकार बना रहे हैं महाराष्ट्र में, तो सबसे पहला काम आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे क्या करेंगे लोगों के लिए? मैं कहूँ, पहली चीज तो यही होगी कि आज जो इस राज्य में एक अनार्की आई है, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको, एक इशू एमएलसी का इशू जो सब जुडिस था, वो गवर्नर ने जस्ट डे बिफोर इलेक्शंस 7 विधायकों को उन्होंने नए फॉर्म्स देके बना दिया गवर्नर्स नॉमिनी को, वो मैटर सब जुडिस था। अगर आप देखें तो आज बीएमसी में प्रशासक है लेकिन जनप्रतिनिधि नहीं है। पहले तो चुनाव लेने पड़ेंगे सारे बीएमसी टीएमसी वगैरह सारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के, भले कोई भी जीते कोई भी हारे, लेकिन चुनाव होने जरूरी है, तो वो करेंगे। जॉब्स की जो बातें होती है, आज राजकीय अस्थिरता है हमारे राज्य में, वो स्थिरता लाने की कोशिश करें। और एक बार शिंदे अगर वापस आना चाहे, बिल्कुल नहीं,
बिल्कुल क्लियर है आप लोग, एक खाली बैठो ना तो नहीं बैठो, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है आदित्य, थैंक यू, थैंक यू। और अगर कुछ भी नोकझोंक हुई होगी, स्पारिंग होगा तो मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन ये बातें होती रहती है। और सरकार आने के बाद फिर एक बार इंटरव्यू के लिए आप आइए, थैंक यू, इनको बता दीजिएगा समय देने के लिए।